प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 के संस्कृत विषय में पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक से शरीर के कुछ अंगों के नाम। शरीरस्य अंगानि, शरीर के अंगों के नाम, पेज नंबर 95। सबसे पहले जानेंगे अंगों के बारे में। सिर, शरीर के इस हिस्सों को क्या कहेंगे? सिर, सिर अर्थात मस्तक। ललाटम, ललाटम, ललाटम का अर्थ है ललाट। नेत्रम, नेत्रम, नेत्रम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, नेत्रम के बारे में जान चुके। नेत्रम क्या है? ये है नपुंसक लिंग, एक शब्द है। नेत्रम का अर्थ है आंखें। नसिका अर्थात नाक। मुखम, मुंह। कर्ण, कर्ण अर्थात कान। ग्रीवा, ग्रीवा अर्थात गर्दन। स्कंध, स्कंध, इस हिस्से का नाम है स्कंध। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कंधे। हृदयम अर्थात हृदय। वक्षस्थलम, इसका अर्थ है छाती। उदरम, उदरम का अर्थ है पेट। हस्त, हाथ। उरु, जंग। जानू, घुटना। पिंडिका, पिंडली। पाद, पाव। तो आज हम क्या सीखे हम लोग? आज हम लोग सीखे कुछ शरीर के अंगों के नाम। तो इन अंगों के नाम को क्या करना चाहिए? अच्छा से इन अर्थों के साथ याद करना चाहिए। और इनके साथ साथ नीचे भी कुछ दिया हुआ है, कुछ है अंगों के नाम। इन सबों को छोड़कर भी और भी कुछ अंगों के नाम हैं, जैसे दंता, चीबुकम, पादव, जिह्वा, कपोल, करणौ, ये सब जो है कटी, इन सबों को अच्छा से ध्यान से पढ़ना चाहिए। आज के लिए समाप्त करते हैं।